राधे राधे मित्रों, मैं ज्योति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कान्हा लेडीज केयर में। मित्रों, अपने इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं, जो बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है और ऐसा अब तक दुनिया में 11 बार हो चुका है। बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, पर सच है कि एक लेडी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब एक साथ उसके यूट्रस में अलग अलग एज के भ्रूण पल सकते हैं। ऐसा दुनिया में बहुत कम ही होता है, पर कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के यूट्रस में एक भ्रूण पल रहा होता है, उसके 10 दिन से 2 हफ्ते के अंदर दूसरा एक निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड होकर यूट्रस में पलने लगता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो लेडीज के उस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ओव्यूलेट यानी अंडोत्सर्ग की संभावना ही खत्म हो जाती है। बावजूद इसके ऐसा होना अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल बात है। ऐसा होता क्यों है, इस क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आज तक 11 बार ही हुई है। सन 2009 में अमेरिका की एक लेडी जूलिया को भी इसी तरह की प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। उसे लगा कि उसे ट्विंस हैं, पर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि दोनों भ्रूण शेप और साइज में अलग अलग हैं और उसे 2 हफ्ते के गैप के साथ 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई। दोनों बच्चे माँ के गर्भ में अलग अलग टाइम से ग्रो भी हुए और उनका बर्थ भी अलग अलग टाइम से हुआ। वैसे ऐसे केस में बच्चों का बर्थ एक ही टाइम पर हो सकता है, पर दोनों के एज और साइज में डिफरेंस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा प्रेग्नेंट होने की ये घटना सुपरफिटेशन कहलाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लेडीज IVF के जरिए अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हार्मोन ट्रीटमेंट लेती हैं, उनके सुपरफिटेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंडाशय को बच्चे के लिए पहले से तैयार किया जाता है। मित्रों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। धन्यवाद।